जो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले सीरीज के कप्तान के ऊपर कपिल देव ने चिपड़ी की है। तो ये वीडियो पूरा देखिए और अगर आपको भी लगता है कि भारत यह सीरीज जीतेगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों अब टीम इंडिया के फैंस को कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं जो शायद पहले कभी नहीं हुआ। जुलाई में टीम इंडिया श्रीलंका के दौरे पर जाने वाली है जहां वो वनडे और टी20 सीरीज खेलेगी। दिलचस्प बात यह है कि इस दौरे पर रोहित शर्मा विराट कोहली जैसे दिग्गज नहीं खेलेंगे क्योंकि इस समय वो इंग्लैंड के दौरे पर रहेंगे। मतलब श्रीलंका जाने वाली टीम इंडिया में युवा खिलाड़ी नजर आएंगे। श्रीलंका दौरे की टीम में कौन कौन होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इससे पहले आपको इस दौरे के कार्यक्रम की पूरी जानकारी दे देते हैं। श्रीलंका दौरे पर 3 वनडे और 3 टी20 मैच खेलेगी। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को जो कार्यक्रम भेजा है उसके मुताबिक ये दौरा 13 जुलाई से शुरू होगा। सबसे पहले वनडे मैच खेले जाएंगे। वनडे मैच 13, 16 और 19 जुलाई को होंगे। ऐसे में दोस्तों इस सीरीज के लिए भारत के कप्तान ढूंढने में कई कठिनाई हो रही है क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में व्यस्त होंगे और इसको लेकर कपिल देव ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है और पांड्या को कप्तान बनाने को बोला है जिससे भारत आगे भविष्य में वर्ल्ड कप भी जीत सकता है। तो आइए बताते हैं क्या है पूरी स्टोरी। दोस्तों इस सीरीज के कप्तान को लेकर कपिल देव ने कहा कि मैं चाहता हूं कि भारतीय टीम का कैप्टन एक ऑलराउंडर हो। जब आपका कैप्टन बैटिंग या बॉलिंग में शानदार प्रदर्शन करता है तो टीम को सभी बल्लेबाज और गेंदबाज में एक अलग ही उत्साह बढ़ जाता है। ये मैंने खुद अनुभव किया हुआ है अपनी कप्तानी के टाइम पे। तो दोस्तों कपिल देव का मानना है कि कप्तानी का भार हार्दिक पांड्या पर देना चाहिए। दरअसल कपिल देव ने जो कि भारत को 1983 में वर्ल्ड कप जिताने वाले पहले कप्तान बने थे वह भी एक ऑलराउंडर हैं। ऐसे में कपिल देव का ऐसा मानना है कि अगर हार्दिक को कप्तानी मिलती है तो आने वाले भविष्य में हार्दिक पांड्या एक बेहतर कप्तान हो सकते हैं। उनका यह भी मानना है कि जैसे कपिल देव ने 1983 में वर्ल्ड कप जिताया था वैसे ही हार्दिक पांड्या भी आगे आने वाले समय में वर्ल्ड कप जिता सकते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है किसे होना चाहिए भारत का कप्तान, हमें कैप्टन के बारे में जरूर बताएं और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगर आप कपिल देव की बात से इत्तेफाक रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।